हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने होटल से मेलास्ती बीच की तरफ। मेलास्ती बीच जो है वो बाली का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे साउथ वाला पॉइंट, जैसे इंडिया का इंदिरा पॉइंट है। इस ब्लॉग में हम आपको कुछ दिखाएंगे रेयर बीचेस बाली के, जो कि बहुत कम लोग जाते हैं। जैसे एक हो गया मेलास्ती, इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं उलुवातु टेम्पल, जहाँ हम आपको रामायणा का परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जिसको कहते हैं केचक। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के बीच से कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया है, तो उसमें उतर के तृप्ति अभी जा रही है। देखिए कुछ ऐसा बीच है, ये काफ़ी सुंदर क्लिफ वाले बीच है, मतलब ये बीच पे क्लिफ है, पहाड़ों के साथ ही साथ ये बीच बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा। वाइट सैंड बीच भी है, सैंड वाइट है यहाँ पे। यहाँ पे बस हम लोग पैर ही डाल रहे हैं अभी, काफ़ी देखिए पैर धंस गया है। पानी बहुत ही प्यारा ब्लू है, लेकिन ये ज़्यादा तैरने वाला बीच है नहीं, क्योंकि मिट्टी विट्टी है और लोग घुस जा रहे हैं तुरंत। देखिए जाते ही पूरा एकदम गहरा है, ये लोग एकदम तुरंत घुस गए हैं, जब यहीं पे खड़े हैं हम लोग, तो ये ज़्यादा तैरने वाला बीच है नहीं। थोड़ी देर पानी में खेलने के बाद, मतलब पैर डालने के बाद, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट बीच की ओर। वो भी बहुत ही कम विजिटेड बीच है, ये बीच अच्छा है अगर हमारे पास टाइम रहता तो शायद यहाँ पे इन्जॉय करते, थोड़ा सा 3-4 घंटा मतलब वेस्ट नहीं, स्पेंड करते। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे अच्छा इन्जॉय कर सकते हैं, कम भीड़ है यहाँ पे। नेक्स्ट बीच पे चलते हैं, जल्दी आ जाए। ये देखिए दोस्तों, जिस कार से अभी हम लोग जा रहे हैं, इसे पूरा रेड लेदर है, पहली बार मैंने देखा ऐसा कार, आपने देखा है तो बताइए। और भैया चला रहे हैं पूरा का पूरा रेड कार, ऐसा लग रहा है कि डिस्को डांसर हो रहा है इसमें। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं लगभग 20 मिनट की ड्राइव के बाद सुलुबान बीच पे। यहाँ पे एक फेमस रॉक है जिसपे लोग फोटो खिंचाते हैं, छोटा सा बीच है। देखिए यहाँ पे कुछ ऊपर खाने वाने की जगह है, पानी वानी मिल रहा है, नीचे देखते हैं कैसा सीन हो रहा है, वहाँ से नीचे जाना है अभी। दोस्तों कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के फाइनली हम लोग इस बीच पे पहुँच रहे हैं, जिसको हिडन बीच भी कहते हैं एकदम। ये देखिए कैसा बीच हो रखा है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। अभी तृप्ति पहुँच गई है दो पत्थरों के बीच में, यहाँ पर बीच का पानी आता है और मोस्टली सर्फर्स हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सर्फिंग करे बहुत सारे लोग आए हैं, ब्लू पानी है एकदम। हम लोग गए थे थोड़ा सा पानी में, बट आगे ज़्यादा नहीं गए थे क्योंकि डर लगता है पानी कब तेज हो जाएगा। ऊपर एक यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, पत्थर वत्थर हैं। बट अगर आप ऐसी जगह आ रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से आएँ, क्योंकि पानी अचानक गहरा हो जाता है। बाकी बीच बहुत सुंदर है, अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा बाली में तो आप ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों देखिए ये भाई साहब ने कासल बनाया, कितना सुंदर। तो लोग यहाँ पे चिल मार रहे हैं पूरी तरीके से, लोग बैठे हुए हैं अपना बिछा बिछा के रॉक्स के बीच में, तो अच्छा है अगर आपको हाफ डे स्पेंड करना है, पिकनिक विकनिक मनाना है तो। दोस्तों चढ़ के ऊपर आ गए हैं, फिर अभी एकदम थक गए थे, यहाँ पे भुट्टा बन रहा है इंडियन स्टाइल में। पहुँच गए अभी बाली के कुछ सबसे फेमस जगहों में से एक, उलुवातु टेम्पल। यहाँ पर केचक डांस परफॉर्म होता है, और एक जो बात पता चली कि यहाँ पर इतने सारे बंदर हैं जो आपका चश्मा टोपी कुछ भी ले जाते हैं, तो सब कुछ उतार के अभी हम लोग जा रहे हैं। और तृप्ति तो बिना चश्मे के अंधी हो गई, तो इसका हाथ पकड़ के चलाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए टिकट यहाँ से मिलती है, बहुत लंबी लाइन रहती है शायद, लेकिन हमारे जो ड्राइवर उन्होंने पहले ही ले रखा है आई थिंक तो। और कपड़े भी मिल रहे हैं ऐसा है कुछ यहाँ पे ना, चलिए चलते हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं हम लोग यहाँ। और ये ड्रेस टाई हो रही है, आपको ये पहन के ही जाना है, तृप्ति की लॉन्ग ड्रेस है तो इसको बस एक मटका बांधना है, और मुझे भैया बांध के पूरा ओके भैया दे रहा है। यहाँ पर भीड़ देखिए दोस्तों, कैसी भीड़ रखती है यहाँ पे, ये सब टिकट की लाइन है। और टिकट मिल गई है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों केचक डांस का अलग टिकट है और अंदर आने का अलग टिकट है, अभी अंदर आने का टिकट लिया था। यहाँ से देखिए सी व्यू कितना अच्छा आता है, यहाँ का फेमस है। अभी केचक डांस का टिकट लेने गए हैं ओके, और फिर हम लोग अंदर जाएंगे। आप अपने से भी ये सब कर सकते हैं, बस किसी के आने से हेल्प हो जाती है और कुछ नहीं, जनरली हम लोग अपने से ही करते हैं। बट आ चुकी लास्ट डे था, ज़्यादा मन नहीं था तो हम लोगों ने टूर बुक कर लिया। दोस्तों इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तृप्ति की हालत ख़राब हो गई चढ़ते चढ़ते। और ये देखिए सीढ़ियाँ इतनी सारी चढ़ के, कैसा नज़ारा आ रहा है यहाँ से, नज़ारा तो बहुत सुंदर है बट हालत बहुत ख़राब हो गई चढ़ते चढ़ते। दोस्तों चश्मा ले गया अंदर एक आदमी का, ये हाथ पे पकड़ा हुआ है उसने। दोस्तों ये देखिए क्या भीड़ हो रखी है, हम लोग बैठ चुके हैं अभी, क्या भीड़ है यहाँ पे। ये देखिए ये सनसेट का भी सीन है, बट जो सबसे फेमस बाली का परफॉर्मेंस है रामायणा का, उसमें इतनी भीड़ है, किसी तरह हम लोग को सीट मिली है, लगभग 1000 लोग, और पसीना और गर्मी अलग हो रखा है, तो बहुत ही तकलीफ है। बट होपफुली परफॉर्मेंस अच्छा होगा और वर्थ इट होगा। रावण आ गया, ये देखिए रेड कलर वाला रावण है।
आग लगाने के लिए। ये देखिए आग आ गई है, आग लग गई है। हनुमान जी लंका में आग लगा रहे हैं। रावण वध हो गया गाइस, रावण वध हो गया। दोस्तों अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं जिसका नाम है तृप्ति पंजाबी तड़का। यहाँ हम लोग आए हैं डिनर के लिए। यह है स्वाद पंजाब दा बल्ले बाली बल्ले। और तृप्ति को खिलाने लाया, मैं आज कहीं और खाऊंगा, कुछ लोकल क्विजिन ट्राई करने का मन है मेरा। बहुत ही तेज बाहर बारिश हो गई है, हम लोगों को वहाँ टेम्पल से आने में कितना टाइम लगा तृप्ति? 2.5 घंटे लग गए अराउंड। हाँ 2.5 घंटे से 2 घंटे लगभग लग गए हैं। और अभी रात हो गई है बहुत ज़्यादा, पैकिंग वैकिंग करनी है कल सुबह निकलने की। खाते खाम दिखाते हैं आपको फिर आगे चलेंगे। तृप्ति का खाना आ गया दोस्तों, ये है कुलचा और क्या तृप्ति दूसरा छोले कैसे और मैंगो शेक। दोस्तों आ गया ये मेरा खाना,